देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका फर्स्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट डाउन द थ्री टर्म्स। आपको क्या करना है कि पहले आपको ये पहचानना है कि ये जो पार्ट्स दिए हैं इसमें से कौन से वाले पार्ट्स जो हैं एपी हैं, अगर जो एपी होंगे उनमें से आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है और थ्री टर्म्स एडिशनल और लिखनी है आपने, ठीक है, जो दिए हुए टर्म्स। ठीक है, तो वन बाई वन लेते हैं इनको सबको। फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपको दिया है 2, 4, 8 एंड 16। देखो इस फर्स्ट टू में डिफरेंस देखो, ए टू माइनस ए वन कितना है, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। अब इस दोनों में डिफरेंस देखो, ए थ्री माइनस ए टू इसमें कितना आ गया, 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 का डिफरेंस है ना। तो ये पहला 2 से इंक्रीज किया, ये 4 से इंक्रीज किया, तो ये एपी है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज नहीं कर रही है, हेंस इट इज नॉट एपी। ठीक है, ये कट गई। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो इसमें आपको दिया है 2, 5.2, 3 और 7.2। अब इसमें भी देखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस देखने के लिए ए टू माइनस ए वन कितना आ गया, 5.2 माइनस 2, तो ये आपका आ गया 5 माइनस 4 अपॉन 2, इसको 1 कर लिया, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 2, हाफ का डिफरेंस आ रहा है। अगला ए थ्री माइनस ए टू का देखो डिफरेंस, ठीक है, ए थ्री में से ए टू वो कितना आ गया, 3 माइनस 5.2, ये आ जाएगा, इसको 1 कर लो, इट इज 6 माइनस 5 अपॉन 2, ये आपके पास आ गया अगेन 1 अपॉन 2, तो दोनों में डिफरेंस सेम सेम का आ रहा है, 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, मीन्स सिमिलर प्रोसीड कर रही है, ये सेम कॉमन डिफरेंस से प्रोसीड करती हुई जा रही है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, डी कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 2, सेम कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको एडिशनल 3 टर्म्स और बतानी है, तो डी कितना है, 1/2 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो आपकी कितनी है, 7 अपॉन 2, अगली बारी टर्म्स के आगे क्या आगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ 10/2 से +1/2 करनी पड़ेगी, ये आपके पास आ जाएगी 7 + 1 कितना आ जाएगा, 8/2, ये कितना आ जाएगा, 4। ओके, अब इससे अगली बारी टर्म कितनी आ जाएगी, इससे अगली बारी टर्म आ गई आपके पास 4, फिर आ जाएगी 4 + 1/2 कितना आ जाएगा, ये 8 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो 1 कर लिया, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2, नेक्स्ट वाली टर्म आ गई आपके पास 9 अपॉन 2, ठीक है, 3 ये 4 आई थी ना, नेक्स्ट वाली टर्म आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये 7/2 आई थी, 9/2, अगली वाली 11/2 आ जाएगी, ठीक है, तो ये 1/2 1/2 प्लस करते जाओगे तो ये नेक्स्ट आगे आपको चलती जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 ये 2.5 है क्योंकि 5.2 कितना, 2.5, ये 3 ये 3.5, ये 4 ये 4.5, ये 5 ये 5.5, फिर 6 6.5, फिर 7, इस तरह से चलेगी, ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, देखो थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। आपको इससे पहले डिफरेंस पता करने हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को निकालोगे तो ए टू माइनस ए वन कितना आएगा आपके पास, -3.2 -1.2, ये आपके पास कितना आ गया, -3.2 -(-+1.2), तो आपको माइनस का 3.2 है और प्लस का 1.2 है, तो ये निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 32 में से 12 निकालो सिंपली, कितना आ जाएगा, 20, ये आ जाएगा -2.0। ओके, डिफरेंस कितना आ गया, -2.0। वैसे ही A3 - A2 उसको कर लो, A3 क्या है हमारे पास, -5.2
माइनस माइनस का 3.2, ठीक है, a3 माइनस a2 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना बन गया, माइनस 5.2 प्लस 3.2, ठीक है, 52 में से 32 निकाल लो, क्योंकि माइनस 5.2 है और 3.2 है ना प्लस का, तो इनको सबट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो 5.52 में से 32 निकालो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20। तो अगेन माइनस 2.0, क्योंकि माइनस की बड़ी टर्म है तो माइनस 2.0, तो डिफरेंस आपका सेम ही आ रहा है। तो डी कितना आ गया, माइनस 2.0। तो दो टर्म्स में सबट्रैक्ट करके देख लो, पहली दो में से, फिर नेक्स्ट दो में से, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, डी कितना आ गया, माइनस 2.0। अब आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस 7.2 और प्लस क्या करना, माइनस 2.0, माइनस 2.0, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 7.2 माइनस का 2.0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस यही रहेगा ना, माइनस 7.2 माइनस 2.0, मतलब दो ऐड करने हैं इसमें, माइनस करने हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 9.2, ठीक है, क्या आ जाएगी अगली वाली टर्म, क्या आ जाएगी, माइनस 9.2 माइनस 2.0, तो ये कितने आ जाएगी, 9 और 2 कितने हो गए, 11, तो ये आ जाएगी आपके पास 11.2 माइनस का, ठीक है। वैसे ही फिर माइनस 11.2 में आपको माइनस 2.0 जोड़ना है, तो कितना आ गया आपके पास, 11 और 2 कितना आ गया, 13, माइनस 13.2, ठीक है, तीन ही टर्म्स बनानी है, तो ये आपके पास नेक्स्ट थर्ड टर्म आ गई, माइनस 9.2 माइनस 11.2, ठीक है, ठीक है, और माइनस 13.2, ठीक है, इस तरह से आपको ये तीन टर्म्स हो गए। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, 3 + √2 + 3 + 2√2 प्लस 3 + 3√2। देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी, चौथी, ठीक है, तो a2 माइनस, डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 वो कितना आ गया, 3 + √2 - 3, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 3 0, और प्लस रूट टू कितना बच गया आपके पास, रूट टू बच गया, ठीक है। वैसे आप क्या करोगे, ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री ये है, ए टू ये है, तो क्या आ जाएगा, 3 + √2 - इस पूरी टर्म को माइनस करना, 3 - √2, ठीक है, ये थर्ड टर्म लिख दी मैंने, सॉरी सेकंड टर्म ये पूरी लिख दी मैंने, ठीक है, और इसको माइनस करना था, सबट्रैक्ट करना था, अब इसको कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे पहले 3 + √2 - 3 - √2, तो माइनस 3 ये कट जाएगा, देखो प्लस 2√2 है और उसमें से 1√2 निकालना है, आपके पास 2√2 है और माइनस 1√2 निकाल देना, जैसे ये सिमिलर लाइक ऐसे 2x है और उसमें से 1x निकाल देते हो तो क्या बच जाता है, x बन जाता है, वैसे इधर क्या है, 2√2 है और उसमें से 1√2 निकाल देना है, तो आपके पास 1√2 बचेगा, ठीक है, तो इस तरह से इसको, ये क्या बच जाएगा दोबारा से, 2√2 में से 1√2 निकाल दिया, तो √2 बच गया, ठीक है, तो सेम डिफरेंस आ रहा है सेकंड और फर्स्ट के बीच में भी और थर्ड और सेकंड के बीच में, तो डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया √2, तो ये एक एपी है, तो इसकी आपको नेक्स्ट टर्म्स भी निकालनी है, तो ये देखो 3 + 3√2 है, इसमें 1 और √2 डाल दो, यही बोलेगा ना, 3 + 3√2, नेक्स्ट टर्म लिख लो, नेक्स्ट क्या आएंगी, 3 + 3√2 + 1√2 और डालो, 3√2 है, 1√2 और डाल दे, तो कितने बन गए, 4√2 बन गए, तो 3 + 4√2, सिमिलर ऐसे 3x + x कितना हो जाएगा, 4x, वैसे x की जगह इधर √2 है, सिंपल सा है ना, वैसे ही 3 + 4√2 है, तो इसमें 1 और √2 डालोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 3 + 5√2, वैसे 3 + 6√2, 3 + 7√2, ये नेक्स्ट वाले टर्म्स बनते जाएंगे, √2 √2 ऐड करते जाओ उसमें, ठीक है, सिंपली क्या किया, √2 ऐड किया, इनमें √2 ऐड करते जाओ, ठीक है। अट है सिक्स पार्ट में आपको क्या दिया इन्होंने, 0.2 0.22 0.22 0.22 0.22
ठीक है, तो इसको पहले आपने देखना है ये एपी है कि नहीं है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले कर लो ए टू माइनस ए वन, ये किसके बराबर आ गया 0.22 में से 0.2 निकाल दिया, तो ये कितना बच गया 0.20 कर लो इसका ना, तो 22 में से 20 निकालना है, तो कितना बन गया 0.02 बचा है, ठीक है 0.22 में से 0.20 निकाला तो 0.02 बच गया। ठीक है, वैसे ही A3 में से A2 निकालो, ये कितना आ गया आपके पास 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको निकालोगे तो ये इसको आगे 220 कर सकते हैं हम। अब देखो 222 में से 220 निकालोगे आपके पास क्या बचेगा 0.002 है ना, तो सेम डिफरेंस नहीं है इसमें, तो कॉमन डिफरेंस पहली दो टर्म्स में लगा है, नेक्स्ट टू टर्म्स में लगा है, तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस से प्रोग्रेस नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये एपी नहीं होगी, ठीक है, ये एपी नहीं है। पार्ट सेवंथ पार्ट में क्या दिया इनको 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन, तो आपको डिफरेंस निकालने पहले टर्म्स में चेक करो डिफरेंस सेम है, तो -A2 -A1 होगा तो कितना हो गया -4, A2 कितनी है -4, -0 कितना आ गया -4, ठीक है। उसके बाद A3 में से A2 को देखो चेक करो और कितना आ गया -8 माइनस का -4, यह कितना बन गया -8 प्लस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, यह आ गया -4, तो सिमिलर डिफरेंस से प्रोसीड कर रही होगी ये, ठीक है, तो आपको डिफरेंस कितना आ गया इधर -4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4, तो नेक्स्ट वाली टर्म्स आपको बतानी है, तो नेक्स्ट वाली टर्म्स क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी -12, और इसमें आपको क्या मिलाना है -4, कितना बन गया माइनस का 16, फिर इसमें -4 एक और ऐड कर लो तो नेक्स्ट वाली कितनी बन जाएगी, ये बन गई उससे नेक्स्ट वाली -4, इसमें और मिला -20, तो ये नेक्स्ट वाली बन गई, उसके बाद फिर -4 मिला दो कितनी बन गई -24, ठीक है, तो ऐसे -4 -4 आप मिलाते चलो, नेक्स्ट वाली टर्म्स आपके पास आ जाए, ये तीन आ गई आपके पास, ठीक है, तीन ही पूछी ना इन्होंने, चलो नेक्स्ट वाला देखते अब आपके पास एट्थ में क्या है आपको, हाँ इसमें डिफरेंस जीरो ही सिमिलरली दिख रहा है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, देखो इधर आपके पास टर्म्स जो है सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी सेम टर्म है, तो डिफरेंस आपके पास सिंपली आपके पास जीरो है, तो ये भी एक एपी है, डिफरेंस जीरो से प्रोसीड कर रही है, तो नेक्स्ट वाली टर्म भी क्या हो जाएगी -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टर्म्स भी यही रहेंगे, ठीक है, इजी है भी। आप देखो अगले वाली नाइन्थ करते हैं, इधर देख लेते हैं नाइन्थ पार्ट में आपको दिया है इन्होंने 1, 3, 9, 27, ये भी नहीं होगी क्योंकि इसमें कितना गैप है, दो का गैप है, इसके बीच में 6 का गैप है, इसके बीच में आ गया, ठीक है, तो ये भी एक एपी नहीं है, इसको भी आप देख सकते हो A2 -A1, ठीक है, इजी है ये भी, सिंपल है। टेंथ में क्या है आपको ए है, फिर 2A है, फिर 3A है और फिर 4A है, तो इसमें भी कर लो A2 -A1 डिफरेंस निकालने के लिए, तो वो कितना आ गया आपके पास 2A में से 1A निकाल दो तो कितना बच गया 1A, ठीक है, वैसे ही A3 में से A2 निकाल लो वो कितना हो गया 3A में से 2A निकालो तो कितना बन गया 1A, तो A से प्रोसीड कर रही है, ये क्या बन रही है A से प्रोसीड करती हुई जा रही है, तो इसमें D क्या आ गया आपके पास A, ठीक है, तो नेक्स्ट वाली टर्म्स क्या आएंगे, देखो ये 4A है, नेक्स्ट वाली ए मिलाते जाओ 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, है ना, ए मिलाते जाओ तो ए बढ़ते जाएंगे इनके, ठीक है, तो इस तरह से टेंथ भी है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं इलेवेंथ, देखो इलेवेंथ जो है उसमें क्या दिया आपको a² a³ और a⁴, ठीक है, आप देखो क्यों लग रहा है ठीक है,
देखो डिफरेंस पहला निकालो, ए टू में से ए वन निकालो, वो कितना आता है ए स्क्वायर माइनस ए। ए स्क्वायर में से ए निकालोगे कितना बचेगा, ए पहले कॉमन ले लो, कितना बन गया ए माइनस वन। इतने से प्रोसीड करेगा, कुछ नहीं कर सकते। और इसको अब अगला वाला देखो, ए थ्री में से ए टू निकालो, वो कितना आ गया ए थ्री माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपको ए कॉमन निकालो, इसमें ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो कितना ए स्क्वायर निकालोगे तो ए माइनस वन। ठीक है, तो आप देखो डिफरेंस अलग अलग है ना, इसमें ए था, ए इंटू ए माइनस वन है, इधर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन है, डिफरेंस अलग अलग है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें अवेलेबल नहीं है प्रोग्रेस करते हुए, तो ये भी एपी नहीं है। देखो ट्वेल्थ पार्ट को देखते हैं, इसमें आपको दिया है रूट टू, रूट एट, रूट एटीन और रूट थर्टी टू। ठीक है, करो ए टू माइनस ए वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट एट माइनस रूट टू। ठीक है, इसको लिख लो पहले, ये क्या हो जाएगा, रूट एट किसके प्राइम नंबर में लिख लो, टू इंटू टू फोर इंटू टू एट, दो टू में से एक टू बाहर आ जाएगा, माइनस रूट टू ये है ना, इसको आगे लिख लो टू रूट टू माइनस रूट टू। ठीक है, ये क्या बच गया, दो रूट में टू में से एक रूट टू निकालना है, तो कितना बच गया ये रूट टू, डिफरेंस कितना आ गया इनमें रूट टू का। वैसे 18 और इसका देखो ए थ्री माइनस ए टू, ये कितना है 18 माइनस रूट एट, इनको देखो 18 को लिखो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन इंटू टू, ये बन जाएगा। माइनस एट को देखो वही सेम इसकी तरह, टू इंटू टू इंटू टू, इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा थ्री, क्योंकि इनका थ्री एक कॉमन बाहर आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर होगा तो ये अपना वाला उड़ा के बाहर आ जाएगा, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू। तीन रूट दो में से एक रूट दो निकाल, टू रूट टू निकाल देने, तो कितना बच जाएंगे रूट टू। देखो ये सिमिलर, रूट टू से अपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे थ्री एक्स माइनस टू एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स बचेगा ना, वैसे एक्स की जगह रूट टू समझ लेना आपने, तीन रूट दो है उसमें से दो रूट दो निकाल देने, तो बस रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस सेम आ गया, तो डी कितना है आपके पास रूट टू, ये एक एपी है, एक एपी है, तो नेक्स्ट वाली निकालो। ठीक है, तो रूट टू ऐड करते चलो, उसमें देखो रूट थर्टी टू है, इसमें प्लस रूट टू डालो, अगली में रूट थर्टी टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू डालो, एक और रूट डाल जाएगा। ठीक है, अगला वाला रूट थर्टी टू प्लस रूट टू प्लस रूट, इस तरह से चलेगा। अब देखो ये मगर इसकी तरह नहीं बना, तो इसकी तरह बनाने के लिए आपको पहले ये इकट्ठे करने पड़ेंगे, देखो टू रूट टू की फॉर्म में लिखने हैं। आप इतने तक देखो, ये किसमें था, ये टू रूट टू की फॉर्म में था, ये थ्री रूट टू की फॉर्म में था, तो ये फोर रूट टू की फॉर्म में आएगा, जब इनको तोड़ोगे ना ये फोर रूट टू की फॉर्म में आएगा, तो अगला वाला क्या आ जाएगा फाइव रूट टू, इसका आपको फाइव रूट टू बनेगा। देखो कैसे बनेगा, थर्टी टू को तोड़ दो, कितना आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू कितना एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, यह आ गया। और बाहर क्या है प्लस रूट टू, यह आ गया ना, इस चीज को इधर लिख रहा हूं मैं इस वाली टर्म को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दो से एक बाहर, दो से एक बाहर, तो दो एक बाहर दो, तो कितने हो गए फोर आ जाएंगे बाहर, टू इंटू टू फोर, और अंदर एक रूट टू, एक सिंगल टू अंदर रह जाएगा प्लस रूट टू, तो आपके पास फोर एक्स है प्लस एक एक्स करना है, तो कितना होगा फाइव एक्स, बस फोर रूट टू है एक रूट टू और डालना है इसमें, तो कितना होगा फाइव रूट टू। वैसे ये वाला कितना बन जाएगा सिक्स रूट टू, क्योंकि इसका क्या बन गया फोर रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, सिक्स रूट टू, फिर सेवन रूट टू, फिर बस तीन ही निकाल देते हैं, तीन तक ही है, फिर सेवन रूट टू, फिर एट रूट टू, इस तरह से चलेंगे आगे। ठीक है, टर्म्स फाइव रूट टू, थ्री सिक्स रूट टू, सेवन रूट टू। ठीक है, थर्टीन देखो रूट थ्री
रूट सिक्स सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म रूट नाइन और रूट ट्वेल्व। अब इसमें भी डिफरेंस पहले पता करेंगे टर्म्स में, तो ए टू माइनस ए वन कर लो, ये कितना आ जाएगा रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। इसको मैं लिखूंगा थ्री इंटू टू भी लिख लूंगा तभी ये अंदर ही रहेगा रूट के अंदर, तो रूट सिक्स माइनस रूट थ्री इसका, इसका कुछ नहीं हो सकता और सिंप्लीफिकेशन, तो ये ऐसे ही रहेगा। वैसे आगे वाला देख लो ए थ्री माइनस ए टू, वो कितना हो जाएगा रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, तो ये वाला उठ जाएगा, थ्री का स्क्वायर बनता है ना, थ्री का स्क्वायर बनता है, इसका थ्री बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा थ्री माइनस रूट सिक्स, तो डिफरेंस अलग आ गया इसका, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस रूट सिक्स माइनस रूट थ्री है, इसका डिफरेंस थ्री माइनस रूट सिक्स है, ठीक है, तो ये डिफरेंस अलग है, तो ये भी एक एपी नहीं है, इट्स नॉट एन एपी। इसका 14 पार्ट है, आप देखो एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर और सात का स्क्वायर। देखो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, स्क्वायर से डर लग रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक का स्क्वायर एक, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का स्क्वायर 25, सेवन का स्क्वायर 49। ये सिंपली आपको दिख रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं आने वाले, बहुत गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है ना, जैसे प्रोसीड करते जा रहे हैं गैप बढ़ता है, कॉमन डिफरेंस से प्रोसीड नहीं करें, ये भी एक एपी नहीं होगी, ठीक है। देखो इसका 15th पार्ट देखेंगे आप, वन का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर और फिर 73 दिया हुआ है, सो वन, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन 25, सेवन का स्क्वायर 49, फिर 73, सो वन प्रोसीड करेंगे। देखो ए टू माइनस ए वन देखेंगे पहले, वो कितना हो गया 25 माइनस वन, कितना आ गया 24। वैसे ही ए थ्री माइनस ए टू देखेंगे, वो कितना आ गया 49 माइनस 25, ये कितना आ गया, ये भी 24 आ गया, सेम ही डिफरेंस आ रहा है ना। वैसे 73 और इसमें देख लो ए फोर माइनस ए थ्री, ये कितना आ गया आपके पास 73 माइनस 49, ये भी आपके पास 24 आ गया, है ना, तो डिफरेंस इसमें सेम है आपका, तो डिफरेंस आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 24, तो नेक्स्ट टर्म क्या होंगे प्लस 24 है, इसमें ऐड कर दो 73 प्लस 24 कितना आ गया 97, है ना, फिर 24 ऐड कर लो 97 प्लस 24 कितना आ गया 121, फिर 24 ऐड करो तो ये आपके पास आ जाएगी 145, 145, ठीक है, तो ये होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है।